दोस्तों नमस्कार। इस क्लास में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो 13 नवंबर 2022 को कंप्लीट हुआ था उसके सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और आप इसी के आधार पर आगे की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 126 नंबर से शुरू होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका है 126 नंबर, उसको हम हिंदी वाला दिखाते हैं आपको, और यदि आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो आपका दिया था, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन इसके लिए थे बृहस्पति, ग्रामणी, कुलप या राजा। तो इसमें बच्चों राइट आंसर था आपका ग्रामणी। आप सभी लोग अपने आप से कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि आपने कक्षा 6-7 अच्छे से पढ़ लिया होगा, अब 8 में आप पढ़ रहे होंगे, तो जिससे आपके जो 6 और 7 के प्रश्न हैं वो तो आप कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं 127 नंबर प्रश्न दिया गया है, आलमगीरपुर नामक पुरातत्व स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है हिंडन नदी, रावी नदी, सतलज नदी और सिंध नदी। तो इसमें राइट आंसर बच्चों था हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर नामक पुरातत्व स्थल है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 128 की बात करते हैं, दामयाबाद। दामयाबाद पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दामयाबाद पुरातत्व स्थल स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 129। अब यहाँ से प्रश्न देखो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान, सुत्त पिटक। तो राइट आंसर बच्चों इसमें था अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है 130 नंबर, चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है वत्स, काशी, कौशल या अंग। तो बच्चों चंपा महाजनपद की राजधानी अंग थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है अंगुत्तर निकाय में, जिसमें से अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। प्रश्न है अशोक का पिता कौन था। जो सम्राट अशोक थे ये मौर्य वंश के शासक थे। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बच्चों था बिंदुसार, चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। इसके बाद प्रश्न संख्या 132, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है पतंजलि और तीसरा ऑप्शन है मेगस्थनीज और चौथा ऑप्शन है कल्लड़। तो राइट आंसर बच्चों इसमें है आपका इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखा था। मेगस्थनीज बच्चों सेल्यूकस का राजदूत था, सेल्यूकस एक यूनानी राजा था, ये आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। आप देखो 132 तक के प्रश्न जो है कक्षा 6 की किताब से पूछे गए थे, जो कक्षा 6 की किताब थी जिसमें इतिहास में आपका प्राचीन इतिहास दिया गया है इतिहास की किताब में, तो वहाँ से आपके 132 तक के प्रश्न से। अब ये देखो 133 से प्रश्न जो है कक्षा 7 की किताब से इतिहास के लिए गए हैं। तो 133 नंबर प्रश्न बच्चों था कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोदी, अली खान, बहलोल लोदी या अकबर। तो राइट आंसर इसमें बच्चों था सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ऑप्शन है चांदबीबी और मुग़लों के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, मुग़ल और अफ़गानों के बीच,
और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो राइट आंसर आपको पता होगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके बाद प्रश्न संख्या 135 दिया गया है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, निजामुद्दौला। तो राइट आंसर इसमें बच्चों था मीर कासिम। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। इसके बाद है, अब ये सारे प्रश्न जो 135 से आप देख रहे हैं ये कक्षा 8 ही किताब के हैं। 136 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1921 या 1923। तो राइट आंसर बच्चों है 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद प्रश्न संख्या 137 प्रश्न संख्या में प्रश्न आप देख पा रहे हैं लिखा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। गोलमेज सम्मेलन बच्चों तीन हुए थे। अब इसमें पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करता है, 1939, 1930, 1934 या 1932। तो बच्चों इसमें राइट आंसर था 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 138 नंबर, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन में बच्चों सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद प्रश्न संख्या 139 है, किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है। 139 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है 51.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या दूसरा ऑप्शन है 81 डिग्री पूर्व, या तीसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्व, या चौथा ऑप्शन 83.5 डिग्री पूर्व। तो बच्चों जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 140 गर्म जलधारा का उदाहरण कौन सा है, क्यूरेसियो की जलधारा, पोएसियो की जलधारा, पेरू या लैब्राडोर की जलधारा। तो राइट आंसर बच्चों इसमें था क्यूरेसियो की जलधारा, एक गर्म जलधारा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 141, इसमें बच्चों पूछा गया कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न में से किन अक्षांशों के बीच आते हैं। 141 के लिए ऑप्शन है 5 से 20 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, या 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, या 30 से 60 डिग्री। तो राइट आंसर बच्चों इसमें था 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इसके बाद है 142 नंबर, कार्स्ट स्थलाकृति का संबंध किससे है, ये कक्षा 7 ही किताब में दिया गया है। अग्नेय चट्टानों से है, चूने के चट्टानों से है, बलुआ पत्थर से है, लोयस। तो कार्स्ट स्थलाकृति का संबंध जो है बच्चों चूने के चट्टानों से है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। इसके बाद है थाल घाट, थाल घाट का संबंध है, थाल घाट बच्चों उत्तरी रेल से संबंध रखती है, पूर्वी तट रेल से, मेट्रो रेल से, पश्चिमी घाट से। तो थाल घाट का संबंध बच्चों पश्चिमी घाट से है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही था इसमें। 144 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे है, मानसूनी हवाओं से, ग्रीष्म मानसूनी हवाओं से, या फिर शीत मानसून से, या मानसून का निवर्तन से। तो इसमें बच्चों राइट आंसर है मानसून हवाओं से इसका संबंध था, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें है। इसके बाद है 145 नंबर प्रश्न, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध किससे है, व्यापारिक कृषि, मिश्रित कृषि, बागाती कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आपकी आंसर की आई थी उसमें आपका राइट आंसर इसमें इनमें से कोई नहीं था। वैसे इसका राइट आंसर मुझे लगता है कि मिश्रित कृषि होगा, तो आप कोई भी इसमें से जो ऑप्शन मिले वो आप लगा सकते हो। इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही था, मिश्रित कृषि जो होती है वो जीवन निर्वाह कृषि होती है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत ये होता है कि पशुपालन भी करते हैं और थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं, तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है, और यही जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत
खेती और पशुपालन दोनों सम्मिलित किए जाते हैं, इसलिए इसमें सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है 146 नंबर। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नगदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। नगदी फसल का मतलब है कि ऐसी फसलें जो हम मार्केट में बेचने के लिए उगाते हैं, तो गेहूं, जौ, चना ये खाने के लिए उगाते हैं, धान, मटर, चना, और सेकेंड ऑप्शन है कपास, जूट और तंबाकू, तो ये डायरेक्टली हम इसको खाते नहीं हैं, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये नगदी फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न था कि गलत युग्म को चुनिए। तो गलत युग्म को चुनिए, इसमें देखो कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों, खानाबदोश, यानी जो जनजातियां हैं ना खानाबदोश कहा जाता है, और देश, तो कौन सी जनजाति किस देश से संबंधित थी, तो बुशमैन अफ्रीका में पाई जाती है, सही है, जरावा भारत के अंडमान निकोबार में पाई जाती है, और पिगमी जो हैं ये अमेजन के बेसिन में पाए जाते हैं, और इसमें जो सी ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है, एकिस्मो कनाडा में नहीं, ये आपके ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता, मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही होगा। अब सी जो है देखो थर्ड वाले ऑप्शन में सही है, सी जो है थर्ड वाले ऑप्शन में है, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन टिक करना था, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है 48 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की भूपरपटी का निर्माण होता है, तो पृथ्वी की भूपरपटी का निर्माण निफे, सीमा, सियाल में से कोई नहीं, तो राइट आंसर बच्चों इसमें था सियाल, सियाल के द्वारा पृथ्वी की भूपरपटी का निर्माण होता है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 149 दिया गया है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा की बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है, अलास्का और क्यूरेसियो की जलधारा, जो ये तीन जलधाराएं जो दी गई हैं ये आपकी गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधारा जो शेष बची कनारी की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है, थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। इसके बाद प्रश्न संख्या 150, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, हमने 2022 की परीक्षा की तैयारी के लिए स्पेशल यूपी स्पेशल जो है वीडियोज उपलब्ध कराए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, उतने में से आपका यूपी से जो रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो आपको वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 151, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता, तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों कौन सा था, 21 वर्ष, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया, 2014, 15, 16 या 17, तो बच्चों राइट आंसर इसमें था 2014 ईस्वी में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 153, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 या फिर 25 फरवरी 1950 या 10 जनवरी 1950 या 25 मार्च 1950, तो कौन सा राइट आंसर है एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों इसमें राइट आंसर जो था 153 नंबर में 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद है 54 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूपी समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय संविधान की प्रारूपी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक, अगर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर आजम साहब थे, लेकिन प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसके बाद है 155 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है भाग एक में किया गया है, 5 में, 3 में या 6 में, तो राइट आंसर इसमें बच्चों था भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है 156 नंबर प्रश्न, मौलिक कर्तव्य की संख्या है, अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है, ऑप्शन एक है 12, 11, 6 या 10, तो राइट आंसर बच्चों था 11 मौलिक कर्तव्य आपको संविधान प्रोवाइड कराता है, बताता है। इसके बाद एक प्रश्न आता था कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है 157 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 52 का संबंध बच्चों राष्ट्रपति से है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, तो राइट आंसर इसमें बच्चों है राष्ट्रपति से अनुच्छेद 52 का संबंध होता है। उसके बाद 158 में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है,
तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों था 21 का का। 21 का का के अंतर्गत संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 159। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था, पूछा गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो आपका जो मूल अधिकार है उसमें दिया गया है। आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी आपका मूल अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता, ये भी आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। लेकिन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो ये आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 160। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं हैं। तो 160 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, चीन, ब्रिटेन, रूस या इटली। तो राइट आंसर है इटली। इटली जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। 5 स्थायी सदस्य हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये जब हम पढ़ाएंगे तो आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।